कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को पंचतत्व में विलीन हुए अभी एक दिन ही बीता है कि आज राजू के मित्र और प्रशंसकों ने शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। दरअसल सोशल मीडिया फेसबुक पर राजू की पोस्ट पर अभद्र व अपमानजनक कमेंट किया गया, जिसपे लेकर उनके प्रशंसकों और मित्रों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारी नेता और राजू के मित्र ज्ञानेश मिश्रा और प्रशंसकों के साथ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने इस पूरे मामले पर संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उनकी इस शिकायत को क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। श्रीवास्तव हास्य कलाकार, कानपुर की शान, कानपुर की धरोहर, और देश में भी उन्होंने जिस तरह से कानपुर का नाम रोशन किया, दुनिया में भी कानपुर और देश का नाम रोशन किया। हमारे बीच में परसों नहीं रहे थे, हम सब दुखी थे। कल मैं दिल्ली में खुद उनके अंतिम संस्कार में था, वहाँ पर भी चर्चा आई कि किसी ने फेसबुक आईडी पर गलत शब्दों का प्रयोग किया है। हम लोग जब शाम को फ्री हुए तो देखा कि दिल्ली के अशोक पांडे जी, हम लोग देखिए उनको आज भी अशोक पांडे जी बोल रहे हैं, लेकिन वो मर्यादा भूल गए और उन्होंने राजू भाई के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी फेसबुक आईडी पर डाला। उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ विरोधी मानसिकता के लोग होते हैं देश में। उन्होंने राजू भाई के खिलाफ जिस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया, आज हम लोग कानपुर के पुलिस कमिश्नर महोदय जी के आए हैं, उनसे हम लोगों ने एक तहरीर दी है और ये कहा है कि जो अशोक पांडे जी हैं, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ जीरो जो धारा होती है उसके तहत दिल्ली में मुकदमा किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों ने उनको तहरीर देकर के उनसे निवेदन किया है। अभी मेरे कार्यालय में आकर श्री ज्ञानेश मिश्र हैं और स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के मित्रगण, प्रशंसकगण, इन्होंने आकर एक ज्ञापन दिया है, जिसका आशय यह है कि फेसबुक आईडी पे किसी व्यक्ति ने इनके विरुद्ध, राजू श्रीवास्तव जी के विरुद्ध कोई टिप्पणी की है और ये टिप्पणी से इनके प्रशंसक और मित्रगण व्यथित हैं और ये टिप्पणी अशोभनीय है, अपमानजनक है। इस संबंध में जो ज्ञापन दिया है मैंने प्राप्त कर लिया है, इसमें जांच करा लेंगे, जो फेसबुक लिंक है उसको भी चेक किया जाएगा, तथ्यों के आधार पे इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।